बेनेट विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में पदक एवं उपाधि प्राप्त सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। आज का यह दिन सिर्फ आपकी उपलब्धियों का ही नहीं बल्कि आपकी आकांक्षाओं का भी दिन है। मैं बेनेट विश्वविद्यालय परिवार, अध्यापकों और कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों के माता पिता एवं अभिभावकों को भी अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ ही मैं इस दीक्षांत समारोह में मानद उपाधि से सम्मानित एवं नायका की संस्थापिका व CEO श्रीमती फाल्गुनी नायर जी को भी बधाई देती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए गर्व की बात है कि आप ऐसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान से शिक्षा ग्रहण कर बाहर की दुनिया में कदम रख रहे हैं, जिसने पत्रकारिता जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। श्री विनीत जैन जी ने टाइम्स ग्रुप को नंबर 1 पब्लिशिंग हाउस से भारत के सबसे बड़े विविध, सबसे सम्मानित और बहुआयामी मीडिया समूह में बदल दिया है। इसने समाज और सरकार के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था के विकास में सदैव अपना योगदान दिया है। मैं द टाइम्स ग्रुप परिवार के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे खुशी है कि बेनेट यूनिवर्सिटी का एक मजबूत स्तंभ अनुसंधान है। रिसर्च पर ही इसके शैक्षणिक कार्यक्रमों की नींव रखी जाती है। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि यूनिवर्सिटी के अब तक 1000 से अधिक शोधों का प्रकाशन हो चुका है। वास्तव में हमारे देश का भविष्य नवाचार और शोध कार्यों पर ही निर्भर है, क्योंकि उद्यमी और कारोबारी शोध और नवाचार की स्थिति के आधार पर ही उद्योग और कारोबार प्रारंभ करने का निर्णय लेते हैं। शिक्षा दीक्षा का उद्देश्य केवल उपाधि प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। शिक्षा परिवर्तन की उत्प्रेरक शक्ति होती है और हमारे युवा सामाजिक परिवर्तन में सर्वाधिक शक्तिशाली कारक हैं। विद्यार्थियों को परिपक्व बनाने का कार्य हमारे विश्वविद्यालय को करना होता है, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय जैसे उच्च संस्थान उन कार्यशालाओं की तरह होते हैं जहाँ मेगा का विकास होता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा स्तर पर अनेक पाठ्यक्रमों में बदलाव करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं के लिए प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तैयार करने पर जोर दिया गया है। आज के अवसर पर मैं कहना चाहूँगी कि हमें शिक्षा के माध्यम से ऐसे बिजनेस मॉडल्स विकसित करने होंगे जो गरीबों, सबसे कमजोर लोगों और साथ ही साथ हमारे पर्यावरण की देखरेख को प्रमुखता देते हो। हमने जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। मैं चाहूँगी कि उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों को क्षमता संवर्धन, व्यावहारिक ज्ञान और सामाजिक सहयोग वाले छोटे छोटे प्रोजेक्ट कार्यों भी जोड़ा जाए। हमारे विश्वविद्यालय को सामाजिक सरोकारों के कार्यों में भी अपनी सहभागिता करनी चाहिए। अब मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक बार फिर आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ और बेनेट विश्वविद्यालय की उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करती हूँ। और जो विद्यार्थियों पास होकर आज बाहर की दुनिया में जा रहे हैं, ऐसे सभी हमारे छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद।